दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट परिसर में एक गैंगस्टर की हत्या से सियासी गलियारों में खलबली की स्थिति है। इसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। लखनऊ में जीवा हत्याकांड के बाद उत्पन्न खौफ की स्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राज्यसभा सांसद और देश के कद्दावर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर सीधे केंद्र की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। जाने माने अधिवक्ता सिब्बल ने गुरुवार की सुबह एक ट्वीट कर केंद्र से सवाल पूछा है कि इस तरह की हत्याएं क्या सरकार को विचलित नहीं करती। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साल 2017 से लेकर 2022 के दौरान यूपी में 41 लोगों की हत्या पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई है। यह सिलसिला आज भी जारी है। एक दिन पहले लखनऊ कोर्ट परिसर में अज्ञात हमलावरों ने पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की भी गोली मारकर हत्या हो चुकी है। हाल ही में दिल्ली में तिहाड़ जेल में तुल्लू ताजपुरिया की गोली मारकर हत्या हुई थी। सिलसिलेवार पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं चिंता को बढ़ाने वाली है। क्या केंद्र को भी इसकी चिंता है?